माय चैनल, मेरा नाम है मोनिका और आज हम आए हैं मनाली घूमने के लिए और ये हूँ मैं अपने होटल की बालकनी में और आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू कैसा दिख रहा है, बहुत सुंदर व्यू है। ये देख सकते हैं आप बर्फ का पहाड़, ये चारों तरफ इसमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज आवर रूम, हमने अभी 12 बजे यहाँ पे चेक इन किया था तो अभी आज हम थोड़ा सा थके हुए हैं तो आज हम थोड़ा आसपास की चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा आसपास में लोकल घूमने की कोशिश करेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे। अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करके आए हैं, थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेशन अप होके हम जाने के लिए रेडी हैं। तो चलिए आज आपके आसपास के प्लेसेस घूमते हैं, बाकी हम सारा कल घूमेंगे। जहाँ पे काफी सारे एडवेंचरस स्पॉट्स हैं जो हम करने वाले हैं और वहाँ पे आई होप कि स्नो भी हो, क्योंकि काफी लोगों से हमने सुना है कि स्नो है, तो लेट्स सी, चलिए चलते हैं। सोलांग बट वहाँ पे बर्फ कम है तो हमें लोगों ने सजेस्ट किया कि हमें सिसु जाना चाहिए, वो थोड़ा और हाइट पे है, यहाँ पे बर्फ है अच्छी खासी। अभी हमारी कैब ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया है, अब हम आगे वॉकिंग है सारा हम जाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसा है। चल रहे हैं यार, ये कितनी अच्छी जगह है, इसको दिखाना। यहाँ पे बहुत ठंडी है, हमारी पूरी ड्रेस की कॉस्ट हमें 250 रुपए की, हमें ये 200 की ये ड्रेस है, 50 का शूज एंड 100 के हमें ये ग्लव्स एंड सॉक्स भी हमें अलग से खरीदनी पड़ती है, वो भी 100 की है, तो ओवरऑल ये हमें पड़ा है 450 का फॉर अ सिंगल पर्सन। और ये सेम प्राइस है सभी लोगों से, थोड़ी सी ट्रैकिंग है पर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए, वर्थ है। तो ये है वो एक्टिविटी एरिया जहाँ पे एक्टिविटी होनी है और हम हमारी गाड़ी उधर से पार्क है, हम ये सारा वॉकिंग करके आए हैं और ये ब्रिज है जो हमें क्रॉस करना पड़ेगा, अब हम उस साइड जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। सो अब हम पहुंच चुके हैं बर्फ पे, ये है बर्फ के पहाड़, यहाँ पे बहुत ठंडी है, अगर आप बर्फ हाथ में लोगे तो और ज्यादा लगेगी, वैसे तो नॉर्मल ही है, इतना नहीं है। अभी देखना, अभी मैं ऊपर जाती हूँ और ऐसे ही फिसल के आएंगे, पहन लेती हूँ। Thank you.
ट्यूब स्लाइड और स्कीइंग कर सकते हैं, उनकी मैं प्राइसेस स्क्रीन पे डाल दूंगी। यहाँ पे स्नो बाइक नहीं अवेलेबल नहीं है, वो शायद सोलांग में होती है। अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे यहाँ पे बिताए हैं, तो अब हम सोलांग में जा रहे हैं देखने के लिए। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स भी, फूड पॉइंट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, आप मैगी, चाय, कॉफ़ी ये सब अवेलेबल है। अभी हमने मैगी खाई, चाय पी और ब्रेड ऑमलेट था। अब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट घूम चुके हैं सब कुछ, अब हम सोलांग जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए अब वहाँ चलते हैं। सिसु से अब सोलांग की तरफ जा रहे हैं, ये उसका रास्ता है, पूरा व्यू बहुत अच्छे हैं। तो हमने सोचा हम फोटो सेशन के लिए यहाँ पर थोड़ी देर रुक गए, बट पुलिस वाले कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो हम जा रहे हैं वापस अपनी कैब। तो हम सोलांग पहुंच चुके हैं, अब हमें इसके टॉप पॉइंट पे जाना है, वो थोड़ा 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अभी हम बहुत थक चुके हैं, तो अभी वॉकिंग का हमारा था नहीं, तो हमने सोचा कि घोड़े कर लेते हैं। तो हमने घोड़े किए हैं 2, और इनकी कॉस्ट हम लोगों को पड़ी है 150 पर पर्सन, तो 302 हो गए। तो अब हम इनके हेल्प से ऊपर जाएंगे, भैया हमें लेके जाएंगे। हेलो कर दो भैया, भैया बैठा दो, फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ। और ये है वो मंदिर जिसमें अभी हम जाने वाले हैं, और शायद ऊपर जाके बर्फ का वो है जो सोलांग में है, हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ नहीं है, बट हम ट्राई करेंगे जाने के ऊपर भी, देखेंगे कि अगर हम जा पाए तो। फिलहाल हम फर्स्टली हम मंदिर में जा रहे हैं, वैसे यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, पीछे बर्फ के पहाड़ हैं, बहुत सुंदर सा लोकेशन है। अलग अलग बता रहे थे, कोई 400 पर पर्सन बता रहा था, बट हमें सही मिल गया, तो ठीक करा हमें 150 पर पर्सन। चलिए चलते बनने में। सो अभी जस्ट अभी हम मंजरी माता के मंदिर से घूम गए हैं, वो मंदिर उधर है, अब उससे थोड़ा सा और ऊपर आके क्रॉस करा सकते हैं, ऊपर आके ऊपर एक शिवलिंग है यहाँ पे ये मानना है कि अंजनी माता ने यहाँ पे शिव जी की आराधना की थी, ऊपर एक शिवलिंग है उसकी आराधना की थी, और उन्होंने शिव जी ने प्रकट होकर उनको पुत्र का वरदान दिया था, तो वो यहीं पे है। तो अब हम वहीं पे शिवलिंग के पास जा रहे हैं देखने के लिए। चलिए चलिए चलते हैं। चलो चलो चलो।